सतना जिले के रेगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने दो दिवसीय प्रचार पर टीकमगढ़ पहुंची। उमा भारती ने जहां बीते दिवस अपने परिजनों से मुलाकात की, वहीं आज यानी कि रविवार की दोपहर रेगांव के लिए रवाना हो गई। पुलिस लाइन टीकमगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पलायन की स्थिति आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि वह तीनों विधानसभा और एक लोकसभा भाजपा चुनाव जीतेंगी, लेकिन महंगाई और खाद की किल्लत पर नहीं बोली। आपको बता दें कि उमा भारती कल पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में सभा संबोधन करने आई थी, जहां उन्होंने कई नुक्कड़ सभाएं की थी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हम पहले बता दें कि हम गंगा जी के किनारे पे थे, तो मुझे प्रदेश भाजपा से सूचना मिली कि आप चुनाव प्रचार करने पृथ्वीपुर मेरी लोकसभा का हिस्सा रही है, और इसी वजह से मैं पृथ्वीपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए आई हूँ भाजपा का चुनाव। दीदी, आपको क्या लगता है, तीन विधानसभा एक लोकसभा सीट पे जिस प्रकार से चुनाव है मध्य प्रदेश में, सभी जगह जीतेंगे? जैसा कि केंद्र में हो और राज्य में आपकी सरकार है, लेकिन महंगाई इतनी चरम पे है, किस तरीके से आप वोट छोड़े जाओगे? के बारे में जो वक्तव्य मंत्रियों ने दिए हैं, मैं उसी उन्हीं वक्तव्यों को उनका समर्थन करती हूँ। और जहाँ तक रही जनता की मनोभावना की बात, तो आप ही लोगों ने तो ये बताया है कि पूरा देश मोदी के साथ है और भाजपा के साथ है, आप ही के सर्वे बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों के बारे में सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं, उन्हीं बयानों के साथ मैं अपने आप को एसोसिएट करती हूँ। कर्मचारियों का डीए बढ़ रहा है और केंद्र का, प्रदेश का, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं है। अब इसके बारे में जो फैसले हुए हैं, वो कर्मचारी भी जनता का हिस्सा है, जनता से अलग नहीं। अपने टीकमगढ़ जिले में खाद की निरंतर परेशानी देखी जा रही है, इसके बारे में बयान आ चुका ना, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मंत्री लोग इसके बयान पक्ष में बयान बारे में बयान दे रहे हैं। आप शराबबंदी पे लगातार बारे में जो बोला है अंत में, मैं उसी पे कायम हूँ। अभी चुनाव प्रचार में आई, इसलिए कोई वक्तव्य नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।